आज मैं अपने बच्चों को सीव्यू साहिल पे जो जहाज़ जो फंसा हुआ था वो दिखाने गया था। लेकिन ये जहाज़ काफ़ी हिल चुका है, मतलब जो मशीन आई हुई है इसने काफ़ी इसको हिलाया हुआ है। ये पहले मैकडॉनल्ड से वेस्ट की तरफ था, लेकिन अभी मैकडॉनल्ड से ये ईस्ट की तरफ है, क्योंकि अभी ये तेज़ हवाएं लग रही हैं। इन तेज़ हवाओं से एक्सपेक्टेड है कि ये जहाज़ रीफ्लोट हो सकता है। और मेरी बेटी जिसको ये जहाज़ बड़ा पसंद था, मैंने उसको बड़े नज़दीक ही दिखाया, क्योंकि आजकल नज़दीक जाने दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक उन्होंने बॉर्डर बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी नज़दीक जाने दे रहे हैं। अब आपसे थोड़ी देर में मेरी बेटी बात करेगी। ये जहाज़ यहाँ पे खड़ा हुआ है, तुम बताओ क्यों गया यहाँ पे आए? तुम्हें पता नहीं है क्यों? हमला तुम बताओ जी। नहीं, ये ना वो ईद के दिन आया था। जैसे ही मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून की लहरें जो हैं समंदर की तरफ तेज़ी से आएंगी, तो जहाज़ जो है ना उसके फ्लोटिंग चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो साउथ वेस्ट मानसून की लहरें हैं इसी वजह से जहाज़ जो है तकरीबन 1 किलोमीटर जो है अपनी जगह से इन्होंने आगे खींच के लेके गए हैं। लेकिन ये जहाज़ जो है अभी काफ़ी पानी में है। पहले जो जहाज़ था वो खुश्की पे था, तकरीबन खुश्की में था, लेकिन अब ये जहाज़ काफ़ी पानी पे आ चुका है। अगर थोड़ा 1-2 किलोमीटर अंदर ले जाएंगे तो ये रीफ्लोट हो जाएगा और इंशाल्लाह ये फिर समंदर में तैरेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो साहिल है वहाँ पे जून जुलाई में साउथ वेस्ट मानसून की जो लहरें होती हैं वो बड़ी तेज़ होती हैं। ईद के दिन जो है इसके दोनों एंकर टूट गए थे, सो आहिस्ता आहिस्ता ये बहके मैकडॉनल्ड के साहिल पे आया था। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये रीफ्लोट होगा और फिर ये देखने में यहाँ नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल पर।